डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। आज बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स की होगी, उसमें मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स लास्ट में करा दिए हैं वीडियो में, उसके आगे का सेशन है। तो देखते हैं आगे के सेशन में क्या है। आगे के सेशन बेटा एक न्यूमेरिकल आता है कि जो स्ट्रिंग होगी वो मैसिव होगी। अभी तक जो भी मैं स्ट्रिंग आपको पढ़ाता रहा हूँ, पुली पे जितनी भी स्ट्रिंग चलती रही हैं, सारी जो स्ट्रिंग होती थी वो क्या होती थी, मासलेस। अब क्या होगा, जब स्ट्रिंग का मास भी कंसीडर करना हो तब हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, देखो जरा। यहाँ पे मेरा जो आज का टॉपिक है वो मेनली है मैसिव स्ट्रिंग के लिए, जो पहला टॉपिक है। जैसे आपको दिया गया है कि ये एक आपकी स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में इधर की तरफ कोई आपको एक फोर्स दे दिया जाएगा और पूछेगा कि जहाँ फोर्स F लग रहा है, इससे x डिस्टेंस पर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो ये हमारी स्ट्रिंग है और बोलेगा इससे x डिस्टेंस पर हमारी टेंशन इसमें कितनी होगी। तो जहाँ पे पूछेगा बेटा वहीं पे मैं इस तरीके से ब्रेक कर लूँगा, ठीक। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसमें बताओ टेंशन कितनी होगी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं M, क्योंकि इस टोटल का जो मास है वो है कैपिटल M। तो यहाँ लिखा रहेगा आपका कैपिटल M इंटू एल माइनस एक्स, स्मॉल एक्स कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल एक्स दिया है आपका, और अपॉन में दिया रहेगा कैपिटल L। दूसरा कैपिटल L क्या है, टोटल की लंबाई। दूसरा आपको दिया रहेगा यहाँ से आपको F इंटू में L माइनस एक्स अपॉन में L। C दिया रहेगा F कैपिटल L माइनस एक्स अपॉन M, और D में बेटा दिया रहेगा नन ऑफ डीज। आपको ये बताना है कि यहाँ पे इसका टेंशन कितना है। तो देखो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिस पॉइंट पर पूछे उसी पॉइंट को हम पहले ब्रेक कर लेंगे, ठीक। एक्स डिस्टेंस पर पूछा है तो यहीं कर लेते हैं, और हमको पता है कि टोटल लेंथ क्या है, देखो बेटा कैपिटल एल। तो ये हमारी लेंथ बची कितनी, देखो एल माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि जो इधर वाला बचा पार्ट है इसका मास एम वन है और इधर वाले का मास एम टू है। हमने कहा था कि यदि M1 हमको कहीं से पता चल जाए तो अभी यहाँ से हम ब्रेक करके, क्योंकि हमको इसमें टेंशन निकालना है और इधर फोर्स को हम भूल जाते हैं, इधर वाले को कंसीडर करते हैं। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी टेंशन होगी वो M1 इंटू A के बराबर होगी, ठीक। अब हमको यही प्रॉब्लम है कि हमको निकालना क्या है अभी M1, ठीक। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, इस वाले को जब निकालेंगे तो लिखेंगे L मीटर का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M। इसलिए एक मीटर का मास कितना होगा, कैपिटल M बाई L हो जाएगा। और हमको किसका चाहिए, केवल ध्यान देना जिसका पूछा जाए उसी पे ध्यान देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। पूछा गया इसमें कितना टेंशन है, तो जिधर फोर्स लगा है उसको तो भूल जाओ, उधर वाले पार्ट को। तो कहेंगे सर इधर हमारी क्या है, L माइनस एक्स। तो देखो L माइनस एक्स का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M L माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल L। तो ये क्या हो गया, मास किसका, M1 का। तो हमको M1 वैल्यू पता चल गई कि सर यही तो आपका क्या है M1, और हमको क्या चाहिए, टेंशन। तो अब जब आप टेंशन निकालोगे तो देखो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से M1 मीन्स कैपिटल M L माइनस एक्स अपॉन में देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये L, और इंटू में भी क्या है, A। A कैसे निकालेंगे, देखो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो अगर हम F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A कर दें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन कैपिटल M। इसी को यहाँ आप डायरेक्ट पुट कर दो, F अपॉन कैपिटल M।
एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब टेंशन आपका जो होगा वो हो जाएगा एफ एल माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा एल। इसका मतलब हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है, एफ एल माइनस एक्स अपॉन में हमारा क्या होना चाहिए एल, बी वाला आंसर आपका सही है। ये मोस्टली क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखना। लेकिन स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, मैसिव। अगर मास लेस स्ट्रिंग है तब तो हम डायरेक्ट जैसा आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वैसे ही कर डालते। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन होता इधर साइड आपसे, बोलता कि मास लेस है, ठीक लिखा रहता कि मास लेस स्ट्रिंग है, और इसी तरीके का क्वेश्चन होता इधर तरफ लिखा होता एफ, और बोलता कि इससे एक्स डिस्टेंस पर इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। तो अब देखो टेंशन कैसे निकालेंगे, टोटल का मास वही है जो दिया रहता था कैपिटल एम, लेंथ दी गई है कैपिटल एल, ठीक यहाँ लिख दिया गया है टोटल का मास है कैपिटल एम, ठीक। अब हमको कैसे सॉल्व करना देखो, फिर जहाँ पे पॉइंट मैंने ब्रेक किया है इधर मास को लिख देंगे एम1, दूसरे वाले को क्या लिख देंगे एम2, इसी को कंसीडर करना है। तो यहाँ टी इज इक्वल टू एक चीज तो कन्फर्म है एम1 इंटू ए, अगर कहीं से एम1 पता चल जाए कैपिटल एम के फॉर्म में तो भी ये आंसर मार दें। अब यहाँ कैपिटल एम होगा कितना ध्यान रखना, जीरो, क्योंकि ये हमारी मासलेस स्ट्रिंग है तो कोई मास होगा नहीं, तो कैपिटल एम जीरो है तो एम1 भी जीरो है एम2 भी जीरो है। तो कहेंगे सर अब हमें मास निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मास निकालने की कोई ज़रूरत जब हमको नहीं है तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से m1 इंटू एफ लिखने की हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मास का यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, बस ये बोला गया है टोटल का फोर्स कितना है f, ठीक। तो f जब बात करेगा अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, इधर के लिए हम एफ बी डी बनाएंगे इसका, ठीक। हमको पता है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन में हमारा जो टोटल इसका मास होगा वो आपको गिवन रहेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अभी हम इसके बाद आपको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मास होगा वो मासलेस स्ट्रिंग होगी, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, नेक्स्ट में इसको हम देखते हैं। अब देखो अगर यही क्वेश्चन आपको वैल्यू रख के दे देता तब कैसे करते, अब आपको इसकी वैल्यू दे देता, मान लीजिए जैसे उसने दे दिया है कि ये आपकी टोटल स्ट्रिंग है, ठीक, और इसको दे देता कि टोटल का मास क्या है 50 केजी, और यहाँ फोर्स लिख देता कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है या 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इसको पुल किया जा रहा है, बोलेगा इससे 8 मीटर की डिस्टेंस पर इसमें टेंशन कितना होगा, जबकि टोटल लेंथ हमारी मान लीजिए 20 मीटर है। तो देखो अगर हमारा आपको डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आप समझ गए टोटल 20 है, ये 8 हो गया, तो इधर हमारा कितना बचा 12, तो इधर 12 बचा, यहाँ आपका टेंशन पूछा है, डायरेक्ट लगा दीजिएगा टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए करते थे तो उससे फार्मूला क्या आता था f इंटू में क्या आता था l माइनस एक्स अपॉन कैपिटल l, f कितना है 100 न्यूटन, l माइनस एक्स कितना है 12, टोटल कितना है 20, सॉल्व कर लो ये आपका कितना हो जाएगा 5, ये आपका 60 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे जो टेंशन कितना होगा 60 न्यूटन का होगा। तो डायरेक्टली भी फार्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज फिर प्रोसेस लगाइएगा, ठीक। अब देखो इसमें बेटा एयर फोर्स में कुछ क्वेश्चंस और आते हैं कि बॉडी में पुशिंग और पुलिंग, तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक बॉडी रखी होगी उसमें आपको बताना होगा किसी बॉडी को पुल करना आसान है या पुश करना आसान है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा नहीं है। देखो जरा दो केस होते हैं तो दोनों केस हम देख देते हैं। एक हमारा केस होता है यहाँ पे पुशिंग का, ठीक, धकेलना यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा धकेलने का केस होगा, ठीक, और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा पुलिंग का, पुलिंग का मीन्स खींचना। तो हम ये देखते हैं कि आसान कौन है और इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ठीक। तो धकेलने के केस में आपको दे दी जाएगी कि फ्रिक्शन लेस सतह है, यहाँ पे आपकी एक कोई बॉडी रखी है, ठीक, और दे दिया जाएगा आपको इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है,
इसकी वैल्यू मान लीजिए कैपिटल एफ है और दे दिया जाएगा ये हॉरिजॉन्टल से एंगल आपका 45 डिग्री है। तो आपसे बोलेगा कि ये बताइए इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा। तो देखो खींचने के केस में क्या होगा, इसी तरीके से बॉडी रखी होगी, वही बॉडी है मान लीजिए, ठीक, इस तरीके से कोई एफ फोर्स लग रहा है वही, एंगल फिर भी मान लीजिए वही है 45 डिग्री, ठीक, इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम है और इस बॉडी का मास भी कैपिटल एम है और वही सेम कंडीशन इसका भी म्यू कितना है, जीरो। तो आपसे इसमें ये पूछेगा ये खींचना आसान है या फिर धकेलना आसान है, पहले तो ये समझेंगे इसके बाद इसके न्यूमेरिकल समझेंगे। देखो जरा इस केस की अगर बात करें तो हमने आपको एक वर्ड पढ़ाया था एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका जब एफ बी डी बनाओगे तो समझ गए हो कि सर यहाँ से जब एफ लगाया जाएगा, ठीक, तो इसके कंपोनेंट भी टूटेंगे। तो कंपोनेंट जब टूटेंगे तो इसका एक कंपोनेंट कैसा होगा, वर्टिकल। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं जिधर फोर्स वर्क कर रहा होता है, क्योंकि उसी फोर्स के दो कंपोनेंट हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो दोनों कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे जिस डायरेक्शन में वो फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो ये पुशिंग की कंडीशन है, तो ए भी अंदर की ओर ही होगा कंपोनेंट इसका, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, चूंकि ये 45 है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए एफ कॉस 45, और एक आपका नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 45 इधर है तो बेटा कॉस इधर होगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है वो हमेशा कॉस में रहता है, तो ये होगा एफ कॉस 45 और ये वाला आपका हो जाएगा एफ साइन 45, ठीक। अब हमको पता है कि सर बॉडी अगर यहाँ रखी है तो इसमें रिएक्शन फोर्स भी लगेगा इस तरीके से, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सर इसका रिएक्शन फोर्स भी होगा। ध्यान रखना ये मैंने दो एरो इसीलिए लगाए हैं क्योंकि दो फोर्स हैं, तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा, रिएक्शन हमको पता है सर जो आर होगा वो एम जी के बराबर होगा, तो मास इसका एम है, जी आपका नीचे वर्क करेगा, ठीक। अब देखो मोशन मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में करेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट वर्क करेंगे। अब देखो फोर्स बैलेंस कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिग्मा एच इक्वल टू जब जीरो करोगे तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, एफ कॉस 45। अब हम समझ गए सर ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, तो कैपिटल एम इंटू ए कर दो, क्योंकि इनर्शिया फोर्स है और इनर्शिया फोर्स हमेशा मोशन के जस्ट अपोजिट लगेगा। यहाँ से अगर आपको ए चाहिए तो ए इक्वल टू आप कर दीजिएगा एफ अपॉन एम, और कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू कैपिटल एफ अपॉन एम। ये हमें लग रहा है 2017 या 18 का एक क्वेश्चन था, उसमें सेम एक क्वेश्चन दिया था, एंगल दिया था और एफ की वैल्यू नहीं दी थी, और बोल रहा था इसमें एक्सीलरेशन कितना जनरेट होगा, तो लिखेंगे √2 एफ बाई एम। अब देखना जरा, ये तो हॉरिजॉन्टल की कंडीशन हो गई, अगर इसकी हम वर्टिकल की कंडीशन देखेंगे तो वर्टिकल की कंडीशन में देखो इसको क्या होगा, वर्टिकल कंडीशन में सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, आर कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक, एम जी कहाँ कहाँ कर रहा है, नीचे की ओर, तो कहोगे सर ये आर इक्वल टू एम जी तो हो गया, लेकिन इसका एक कंपोनेंट अभी और है एफ साइन 45, वो भी डाउनवर्ड ही वर्क कर रहा है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ से कि सर एफ और ये आपका साइन 45 भी होगा, तो यहाँ से जब रिएक्शन फोर्स निकालोगे तो एम जी तो रहेगा ही, एफ साइन 45 जो भी वैल्यू होगी वहीं पुट करके आप ऐसे छोड़ दोगे। अब देखो जरा यहाँ रिएक्शन फोर्स से हमें समझ में आ रहा है कि सर अगर ये पुशिंग और पुलिंग यहाँ कुछ ना हो रहा होता है तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम जी के। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन फोर्स कैसा होता, कम, अब यहाँ रिएक्शन फोर्स कैसा हो गया है, ज़्यादा। जरा उधर दूसरे वाले में देखते हैं इस केस के लिए, इसमें क्या है खींचने की कंडीशन है तो हम समझ गए ये वाला कंपोनेंट अब डायरेक्ट एफ बी डी बना दे रहा हूँ, ये वाला क्या हो जाएगा एफ कॉस 45 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ साइन 45, ठीक, डायरेक्शन ध्यान देना है तुमको। अब ऊपर की तरफ एफ वर्क करेगा तो रिएक्शन फोर्स तो भी ऊपर लगेगा, तो कहेंगे सर ऊपर की तरफ अगर आप सबसे पहले सिग्मा वी इक्वल टू जीरो कर दें, क्या लिखोगे, आर प्लस एफ साइन 45 इक्वल टू किसके होगा, एम अपॉन एम जी के होगा। तो हमको अगर रिएक्शन फोर्स की बात की जाए
तो ये क्या मिलेगा, एम जी माइनस एफ साइन 45। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, मतलब बॉडी को उठाने में जो मेरा वेस्ट फोर्स जा रहा है वो हमारा यहाँ पे कम जा रहा है, ठीक। और यदि मोशन की बात करेंगे इस डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये जीरो होगा और ये क्या आ जाएगा, एफ कॉस 45, ठीक। और इसके बाद ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम ए के। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे अपना ए इज इक्वल टू, तो फिर वही हमारा हो जाएगा, देखो एफ कॉस 45 अपॉन कैपिटल एम, आपका चल रहा था वही कैपिटल एम चलने दो, इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, एफ और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट टू इंटू कैपिटल एम। एफ इक्वल टू देखो बात करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आएगी और यहाँ क्या होगी, कम वैल्यू आएगी। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से एफ देख लो, यहाँ से जब आप एफ इक्वल टू लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम ए अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट टू, आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक। और उधर की तरफ जब बात करोगे यहाँ पे, तो इसके लिए जब आप एफ लिखोगे तो ये मेरा हो जाएगा कैपिटल एम इंटू रूट टू, ठीक, इंटू ए, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक, ये वैल्यू हमारी कैसी है, ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ सर, हमारा बॉडी को पुश करने की अपेक्षा पुल करना कैसा होता है, आसान होता है। अगर इस टाइप के कभी न्यूमेरिकल आते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे, केवल आप क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ लेना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और आसानी से आपके बैलेंस हो जाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा भी रिएक्शन फोर्स हो, जैसा जो फोर्स लग रहा हो, उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा। अब देखो जरा इसका, और इसका एक केस और देखिएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके का एक कोई ब्लॉक है जिसका वेट है 10 kg, ठीक, और कह देगा इसको मान लीजिए 50 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है, ठीक, कहेगा इसमें बताओ कितना एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो ध्यान बस ये देना है कि एंगल की पोजीशन जो भी होगी वो आपको दी रहेगी, मान लीजिए ये एंगल दिया गया 60 डिग्री, और पूछ रहा जब ये बॉडी मूव करेगी तो इसमें कितना एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो हमको नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट याद करना है, एफ इक्वल टू एम ए, कुछ नहीं करना, एफ इक्वल टू एम ए करेंगे और अपना हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये वाला जब कंपोनेंट होगा तो ये क्या होगा, 50 cos 60 degree, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, 50 sin 45 degree। हमें पता है कि सर मोशन हॉरिजॉन्टल ही होगी, तो हॉरिजॉन्टल जब ये मोशन करेगा तो एफ इक्वल टू हमको क्या लगाना है, केवल एम ए, कुछ नहीं करना है। अब देखो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है वो कितना है, 50 cos 60 degree, एम कितना दिया गया है, 10 kg, ए पूछा गया, सिंपल सा है, हम अपना सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से cos 45 की वैल्यू हमको पता है 1/√2 होती है, ये आपका 10 नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब करना, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ 50 = ma कर दिया तो न्यूमेरिकल गलत होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मोशन कराने में केवल ये वाला कंपोनेंट कारगर है, ना कि ये कंपोनेंट, ये तो उसको केवल उठाने में कारगर है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एफ, इसी को कंसीडर करोगे, उसी को मैंने यहाँ पे देखो एफ कॉस 60 लिखा है, इक्वल टू एम ए करोगे, तभी आपका एक्सीलरेशन एग्जैक्ट निकल के आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे इसके जो आंसर होंगे जस्ट अपोजिट आएंगे, क्योंकि आप 50 ले लोगे, 50 न्यूटन का है, इक्वल टू एम ए लगा दो, ये यहाँ से फाइंड आउट कर लो, तो इस तरीके से ये कभी फाइंड आउट नहीं होगा। देखो जरा कुछ बच्चे कह रहे थे सर स्ट्रिंग का क्वेश्चन में टेंशन और ए का क्वेश्चन एक और करा दीजिए, तो देखो जरा इसमें मैं टेंशन और एक्सीलरेशन का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये दिया गया है पुली है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे आपको अब की बात दे दिया गया है 7 kg, ठीक, और इधर दे दिया गया है 3 kg, जिसको भी समझ में ना आए एक बार देख लेना, बहुत इजी होता है ये। यहाँ से टेंशन निकालना है, कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में
टी निकालो, ए निकालो, और इसके बाद इस पॉइंट पर भी टेंशन निकालो कि आर पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी। तो देखो हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जब यहाँ टेंशन, तो हम समझ गए कि सर आपने बताया था 2m1 m2g अपॉन में क्या हो जाएगा m1 plus m2। हम दोनों तरीके बता देंगे आपको प्रूविंग का भी। यहाँ से क्या करना है, 2 × 7 × 3, जी की वैल्यू 10 रखना है, दोनों को जोड़ देना है 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 7 आपका कितना हो जाएगा 21, 21 × 42 हो जाएगा, इसका मतलब 42 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में होगी टेंशन। और सेम स्ट्रिंग में टेंशन सदैव बराबर होती है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अभी हम बता रहे किस तरीके का क्वेश्चन आया था, एक SSR का क्वेश्चन है, वो इसी का क्वेश्चन है। अब मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, चूँकि उसमें T1 और इक्वल टू T2 लिखा था, एक में लिखा था T1 इज ग्रेटर देन T2, एक में लिखा था T2 इज ग्रेटर देन T1, इस तरीके ग्रेटर लेस ये सब कभी पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन सदैव इक्वल होगा, मास कितना भी हो, कभी भी T1 T2 नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हमको A निकालना था, तो मैंने अभी आपको बताया था A में क्या करते हैं, m1 minus m2 ऊपर घटा देना, नीचे जोड़ देना, m1 plus m2 हो जाएगा into g, ये क्या हो जाएगा 7 minus हमारा 3 हो जाएगा, नीचे 7 3 हो जाएगा 10, जी की वैल्यू मान लीजिए 10 दी है, तो 4/10 into ये 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा 4 m/s². कह रहा है टी आर कितना होगा, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, तो कुछ मत करना, हमको पता है कि टेंशन मैंने टी निकाल ली थी और दूसरी चीज एक्सीलरेशन निकाल लिया था, ठीक। अब हमको देखना ये था कि बोल रहा है कि इस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना वर्क करेगा, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया भी है कि एक टी ये और एक टी ये, तो यहाँ पे टी आर कितना हो जाएगा 2t। अब देखेंगे है कितना टी 42, तो यहाँ से जब कभी सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे 2 × 42, और 42 इसका मतलब इसमें सीधे सीधे आपको 2 का गुणा करना था, तो 84 न्यूटन हो जाएगा, कहाँ पे टेंशन ये होगी पॉइंट आर पर। इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना समझ में आया हो, मैंने एक क्वेश्चन और इसमें करा दिया है। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, एक जो लास्ट ईयर SSR का है, उस क्वेश्चन को मैं और बता देता हूँ। जो बच्चे लास्ट ईयर SSR का पेपर दिए होंगे उनको पता है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था स्ट्रिंग से। इस तरीके की एक पुली दी गई थी और इस तरीके से इस पर रोप आई थी, और फिर यहाँ पे एक दूसरी पुली लगा दी गई थी, ठीक, और इसको इस तरीके से जोड़ दिया गया था, ठीक, और यहाँ पे आपको दे दिया गया था कि ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, और लिखा था रोप सेम है, एक ही रोप 2 आपका घूम के लपेट लेके यहाँ तक पहुँची है, और उसने ये पूछा था ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो बोल रहा था दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे लिखा था T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, दूसरे ऑप्शन में दिया था T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, और सी ऑप्शन में दिया था T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, और डी में दिया था नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन में लिखा था कि स्ट्रिंग कैसी है, सेम स्ट्रिंग है, मींस एक ही रस्सी है जो यहाँ से स्टार्ट की गई और यहाँ तक बंधी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा जब भी आए, अगर आप सॉल्व करने लगोगे कि T1 इज इक्वल टू mg होगा, तो अननेसेसरी आपके लिए होगा, आपको बहुत ही माइनस सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर टिक कर देना है। हमको पता है सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग एक पुली, दो पुली, तीन पुली, कितने भी पुली पर अगर घूम जाती है तो टेंशन सदैव इक्वल ही रहती है, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, सेम। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी। हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, केवल ये चीज़ पकड़नी थी कि सर सेम स्ट्रिंग है, अब वो चाहे 2 kg का हो चाहे 100 kg का हो, टेंशन जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी और उतनी यहाँ भी होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।